इतनी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अब बात रखे इस प्यारी से दुआ के साथ करते हैं चटपटी सी रेसिपी का आगाज़। बड़े मज़े के मैंने बिहारी कबाब बनाए, बिहार की अथेंटिक रेसिपी है, बहुत मशहूर फेमस कबाब बनाए। ये जानने के लिए आपको पूरी रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी। ये देखिए बहुत मज़ेदार बने और बिल्कुल ये देखें घुले हुए हैं, बिल्कुल आप हाथ लगाएं तो ये घुल रहे हैं, ये देखें इस तरह करके टूट रहा है गोश्त। ये जानने के लिए किस तरह बनी है आपको पूरी रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी। चले आप अपने किचन में चलते हैं, आपके लिए रेसिपी बनाते हैं। बिहार के मशहूर बिहारी कबाब की रेसिपी आज किचन क्लोजअप में शेयर की जा रही है। उसके लिए हमें चाहिए गोश्त। ये देखिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया और इसके इस तरह के पीस करवा लिए, देखिए इस तरह करके, ठीक है 1 kg है पूरा, ये देखिए इस तरह करके। अब जो इसमें स्पाइस ऐड होंगे वो मैं आपको, खसखास लेनी है 1 tablespoon, ज़ीरा पिसा हुआ 1 teaspoon, पिसी लाल मिर्च 1 teaspoon, गरम मसाला 1 teaspoon, धनिया पाउडर 1 tablespoon, पेपरिका पाउडर 1 teaspoon भर के ले लें, हल्दी 1/2 teaspoon ले लें, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने 1 tablespoon लिया पूरा, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon। स्पाइसेस हम गोश्त में ऐड कर देंगे, ये देखें, और इसके साथ साथ जैफल जैवित्री को मैंने इस तरह पीस लिया है। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, अगर आपको पसंद है इसका फ्लेवर तो आप डाल सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। 1/2 teaspoon गोश्त गलाने का पाउडर 1 tablespoon भर के लेना, अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 tablespoon इस तरह करके, पानी नहीं डालना हमने बिल्कुल इसके अंदर। और मैंने इसमें हैंग योगर्ट यूज़ किए, यानी कि आपने इसको पानी कपड़े में डालकर पानी इसका खुश्क कर लेना है, ये देखिए मलमल के कपड़े में डाल के इसको हैंग कर लें, तो ये हैंग योगर्ट हमारी तैयार हो जाती है। ये डाल देनी है आपने 3 tablespoon, और प्याज इस तरह गोल्डन करी हुई, ये देखें इसको मैं अच्छे से यूँ क्रश्ड कर लूँगी, ये देखिए इस तरह करके ये डाल दूँगी इसके अंदर, ये देखिए 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इसको मैंने इस तरह पीस लिया था हल्का हल्का सा, ये देखें ये डाल देंगे, और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 2 tablespoon, ये डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए, कम से कम 6 से 7 घंटे, अगर आप इसे ज़्यादा टाइम कर सकते हो तो ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। और इसके जब हम इसे पकाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें एक इंग्रेडिएंट और डालना होगा। गोश्त को मैरिनेट हुए 6 से 7 घंटे हो गए टोटल, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, मैंने आपसे कहा था ना एक इंग्रेडिएंट रह गया है, तो इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 लीमू, यहाँ पे हमारी पंजाब में लीमू का साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है तो इसलिए मैं 1/2 डालूंगी, अगर आपने छोटे हैं तो आप पूरा ही डाल सकते हो, और ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon। ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये देखें गोश्त हमारा कितना अच्छा, ये देखिए बिल्कुल अभी से इतना सॉफ्ट हो गया। ये देखिए अब मैंने स्टिक्स ले लिए बारबेक्यू स्टिक, इसको इसके अंदर इस तरह करके देखें, जैसे परोते हैं ना यूं यूं करके, इस तरह करके देखिए इस तरह करके मैं इसको लगा लूँगी, ये देखिए ये ठीक है, ये इसी तरह करके मैं सारी स्टिक्स पे गोश्त को लगा लूँ, ये देखिए मैंने सारी स्टिक्स पे लगा लिए, ये देखिए इस तरह करके मैंने सब स्टिक्स पे लगा लिए। चले अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन रख लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिए 4 to 5 tablespoon कुकिंग ऑयल, और अब मैं इसको रख दूँगी इसके अंदर, ये देखिए मीडियम फ्लेम हमने रखनी है, लो टू मीडियम, ये देखिए इस तरह करके जितने आपके फ्राई पैन में आ जाए। इसको मैं 15 मिनट तक लो टू मीडियम हीट पर लिड लगाकर रख दूँगी, ये देखिए अब हम इसके साइड टर्न करेंगे, क्योंकि इसमें हमने गोश्त लगाने का पाउडर डाला था तो ये हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये देखिए अब हमने इसकी साइड टर्न कर दिए, बहुत अच्छे हमारे ये गल गए, ये देखिए
चले ये बिहारी कबाब हमारे तैयार हो गए, देखें अच्छे से सिक गए और ऐसे अच्छा हलवा की तरह गोश्त गल गए। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए मज़ेदार किस्म के बिहारी कबाब हमारे तैयार हैं। ये देखें कितने घुले हुए बने, ये देखें कितने सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बने। ये देखें, ये देखें बिल्कुल हाथ से घुल रहे हैं, बहुत मज़ेदार बने। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको लगता है बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की है तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपनी बहुत ही प्यारी सी दुआओं में हमेशा याद रखा करिए। अल्लाह हाफिज़।